वेलकम स्टूडेंट्स इन माय न्यू ट्यूटोरियल। तो आज हम फटाफट से इस ट्यूटोरियल में एक गेम्स टेबल बनाएंगे जिसका हमने रिलेशनशिप पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ क्रिएट करना है। तो सबसे पहले अगर टेबल बनाने के लिए मैं जाऊंगा टेबल्स, टेबल्स में मैं यूज़ करूंगा डिज़ाइन व्यू, और डिज़ाइन व्यू में मैं फटाफट से इसके फील्ड्स सेट कर देता हूँ। तो पहला जो मैं फील्ड दे रहा हूँ आईडी, और इसको मैं दूंगा इंटीजर, गेम टाइप, और गेम टाइप को मैं टेक्स्ट, इट्स ओके। और थर्ड जो फील्ड है उसको मैं दे दूंगा रोल नंबर, क्योंकि ये हमारा जो एक फील्ड है कॉमन है सारे टेबल्स में, और इसी की हेल्प से मैं सभी टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करवा रहा हूँ। तो इसको मैं दूंगा टाइनी इंटीजर, क्योंकि यही फील्ड टाइप मैंने बाकी के टेबल्स पे भी दिया है, तो ये मुझे इक्वल रखना है, सेम रखना है। मतलब सभी टेबल्स में मैंने टाइनी इंटीजर ही दिया है। अगर ये मैंने डिफरेंट कर दिया, इंटीजर कर दिया, तो मैं रिलेशनशिप नहीं क्रिएट कर पाऊंगा। तो मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, मुझे यहाँ पर इसको प्राइमरी की भी देनी है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पर गेम आईडी को प्राइमरी की दूंगा, तो राइट क्लिक, प्राइमरी की, तो ये प्राइमरी की दे दी। अब मैं सेव कर देता हूँ इसको, सेव एज गेम्स, ओके, सो आई विल क्लोज इट नाउ। अब मैं गेम में डाटा फीड कर देता हूँ, कुछ रैंडम डाटा। मैं डबल क्लिक कर देता हूँ गेम्स को, गेम आईडी सपोज, बिकॉज 101 मैंने लाइब्रेरी में दी थी, तो यहाँ पर मैं 201 दे देता हूँ। गेम टाइप सपोज हॉकी, फिर 202, क्रिकेट। अब यहाँ मुझे रोल नंबर्स बार बार रिपीट करवाने हैं। मैं क्यों रिपीट करवा रहा हूँ, बिकॉज एक रोल नंबर, सपोज कोई भी बच्चा है वो एक से ज़्यादा गेम्स ले सकता है, तो मींस रेपिटिशन चाहिए मुझे। लेकिन अगर मैं रोल नंबर को प्राइमरी की दे देता तो उसे होना क्या था कि मैं डुप्लीकेट नहीं कर सकता किसी नंबर को, तो इसके लिए मुझे रोल नंबर को प्राइमरी की नहीं देनी है इस केस में। लेकिन गेम आईडी मेरा डुप्लीकेट नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर प्राइमरी की लगी हुई है, एंड प्राइमरी की कांट बी डुप्लीकेटेड, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, एक से ज़्यादा सेम नंबर नहीं रिपीट हो सकते। तो यहाँ पर मैं 203, सॉफ्टबॉल सपोज रोल नंबर 3, 204, अब यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ रोल नंबर 1, 205, बास्केटबॉल, इसको रोल नंबर 2 को रिपीट करवा देते हैं, 206, फुटबॉल या रोल नंबर 3, 207, चेस रोल नंबर 1। तो ये मैंने कुछ डाटा डाल दिया, इंसर्ट कर दिया गेम्स टेबल में, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। आफ्टर सेविंग आई विल जस्ट क्लोज दिस। तो अब मेरे पास गेम्स में ये डाटा आ गया है। अब मैं रिलेशनशिप क्रिएट करता हूँ, तो यू नो वेरी वेल, फॉर मेकिंग द रिलेशनशिप आई हैव टू गो टू टूल्स, टूल्स में यहाँ पर मैं रिलेशनशिप्स पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर पहले से रिलेशनशिप जो क्रिएट किए हुए हैं हमने वो यहाँ पर हैं। अब मैं यहाँ पर ये शो पे चला जाऊँगा, ऐड टेबल्स, ऐड टेबल्स में मैं यहाँ से जो गेम्स मैंने अभी बनाया है मैं इसको क्लिक कर देता हूँ ऐड, तो ये आ गया है, इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये टेबल आ गया है। अब मुझे रोल नंबर को इस रोल नंबर से जोड़ना है,
ये देखो वन टू मैनी रिलेशनशिप बन गया है। और अब रिलेशनशिप का फायदा क्या है वो मैं अगले टॉपिक क्वेरीज में ये क्लियर करूंगा कि रिलेशनशिप की हेल्प से मुझे क्वेरीज बनाने में कितनी हेल्प हो रही है। मतलब मैं मोर देन वन टेबल की इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकता हूँ। तो मैं अपना ये वाला ट्यूटोरियल यहीं ख़त्म करता हूँ। मैंने सिर्फ आपको इसमें ये समझाना था कि गेम जो टेबल है वो कैसे बनना था। सो आई विल स्टॉप माई ट्यूटोरियल, और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट अर्लियर। सो बाय बाय, टेक केयर।